खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची स्थित काटाटोली चौक में सड़क का काम हो रहा है। सड़कों की खुदाई से निकलने वाले मिट्टी को सड़कों पर रख दिया गया है। वहीं बारिश होने की वजह से मिट्टी बहकर सड़कों पर फैल गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं सड़कों पर फैली मिट्टी से ठेका कंपनियों की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं सड़कों पर पसरा काम कब तक कंप्लीट होगा, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। परेशानी तो आप अभी देख रहे होंगे, अभी तो बारिश हुआ भी नहीं है, कल से धूप निकला, उसके बाद भी आप देख रहे हैं प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे यहाँ पे ना ट्रैफिक लाइट है ना कुछ है, जैसे तैसे गाड़ी आ रही है जा रही है, सब कुछ ऐसा ही है। बारिश हो जाता है तो नाली वाली का पानी भी भर जाता है यहाँ। देखिए बारिश जब आती है तो जैसे यहाँ मिट्टी का काम चल रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो मिट्टी यहाँ जमा हुआ, बारिश होती है तो फिर कीचड़ हो जाता है, नाली का पानी वहाँ भी देख सकते हैं कैसे आदमी गुजर रहे हैं। ये जो काम हो रहा है मुझे नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से चल रहा, रुका हुआ काम है। और परेशानी क्या, देखिए अब रास्ता भी एक ही रास्ता इधर जाने को, और वो भी कीचड़ डूबा हुआ, आदमी जाए तो कैसे जाए, अब वहाँ भी देख रहे कैसे लोग जा रहे हैं। तो बारिश में बहुत, बारिश नहीं भी होता उसके बाद ही परेशानी बहुत हो जाती है लोगों को। रांची के दरभंगा हाउस में भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री कृष्णानंद सिंह ने कहा कि दंतोपंत ठेंगरी जी देश के ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में चार संगठनों का निर्माण किया। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच एवं किसान मंच की स्थापना में अहम भागीदारी निभाई। 12 जनवरी को हम लोग ठेंगरी जी की 100वीं जन्म शताब्दी मयूरी हॉल सीएमपीडी में मनाने जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ का नारा ही है राष्ट्र हित, मजदूर उद्योग हित और मजदूर हित। राष्ट्र का अगर हित रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा, मजदूर उद्योग रहेगा तो मजदूर रहेगा, अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर उद्योग को बंद करना मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, मैं बंद करना नहीं चाहता, मैं अपने के लिए मैं काम करता हूं। हम लोग तो नारा भी लगाते हैं कि कौन बनाता है हिंदुस्तान, तो लोग कहता है भारत का मजदूर किसान देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। इस नारा के साथ हम लोग चलते हैं। मैं कम्युनिस्ट का कोई नारा नहीं लगाते, लोगों ने लाल रंग चुना, हमने भगवा रंग चुना है, और आज भी मैं भगवा रंग के सहारे इस देश के प्रति समर्पित हूँ। इस सोमा वर्ष का अर्थ है, मैंने बार बार कहा कि सोमा जन्म दिवस है, शताब्दी मनाने जा रहे हैं, 100 वर्ष उनका जन्मदिन पूरा होने वाला है 10 तारीख को 2020 में, इसलिए पूरे एक साल तक मैं इनका जन्मदिवस मनाने जा रहा हूँ। वही न्यायमूर्ति एलपीएन सादेव की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। न्यायमूर्ति एलपीएन सादेव झारखंड के प्रथम मूलवासी न्यायाधीश थे। उन्होंने अलग राज्य आंदोलन में भी अहम योगदान दिया था। इसे लेकर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और एलपीएन सहदेव जी की पत्नी ने सहदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वो पहले झारखंडी मूल के व्यक्ति थे जिन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। अनेक गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी, अभी मैडम गवर्नर आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित अनेक सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, सब लोगों ने आज श्रद्धांजलि में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जस्टिस शाहदेव पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार हुए थे। मुझे लगता है देश की ये पहली घटना थी जब कोई उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश झारखंड आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुआ, तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम बस यही इच्छा व्यक्त करते हैं कि जो पीढ़ियां आने वाली उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करें।